नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करने की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदनंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। शुभे, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में न तो ग्रहण कर सके हैं, न करते हैं और न भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरों के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित हुई भक्तवत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कौमारावस्था पार कर गई, बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थीं। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गईं। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। आश्विन मास में नंदा प्रतिपदा षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी।
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भट कटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थी। अषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे यज्ञोपवीतों वस्त्रों तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती। भांति भांति के फलों फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। मुने, इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा, सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व रज और तम नामक जो तीन शक्तियां हैं उनके राग आदि वेग असह्य हैं। वेद त्रयी अथवा लोक त्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गा पते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए
प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। प्रिय भक्तों, माता सती की तपस्या की इस कथा को सुनने से भगवान शंकर रुद्र आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। धन्यवाद।